भाई और आपका आज वीडियो में स्वागत है। तो कल हम लोग ने देखा था शैतान मूवी का ट्रेलर और भाई कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताया गया था कि ये, और हम लोगों ने खुद भी बताया था कि ये एक गुजराती मूवी का रीमेक है जो शैतान मूवी है। और वश मूवी का ट्रेलर भी देखने का सजेशन मिला था, तो हमने सोचा हम बैठ कर देखते हैं आपके साथ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कृष्णा देव याग्निक ने। इसकी प्रोडक्शन की बात करें उसमें कल्पेश है, क्रुणाल है, नीले है और दीपिन है। और स्टारकास्ट में है जानकी बोरीवाला है, हितू कनोडिया है, नीलम पंचल है, आर्यन संघवी है और इसके साथ हैं मौजम हितेन कुमार। थैंक गॉड सही पढ़ लिया। एनीवे गाइस देखते हैं मूवी का ट्रेलर के कैसा है। जैसा हमने कल शैतान का देखा था वैसे ही उससे कुछ डिफरेंट है। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करिए चैनल को। उसके अलावा मेरे लोग चैनल को इंस्टाग्राम में लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करिए। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। નહીં મારી ગાડી બગડી ગઈ એટલે હું મારી દીકરીને ક્યારનો ફોન કરી રહ્યો છું પણ ફોન લાગી જ નથી રહ્યો। આવો છે નેટવર્કનો પ્રોબ્લેમ એરિયામાં, પણ વાંધો નહીં, લેન્ડલાઇન છે ને, આમાં તો તૂટું જ આવે છે। કદાચ નેટવર્કમાં નહીં હોય ફોન એટલે પછી કરીશ। કેમ જાતે જવાની ખબર ના પડે, સવારના આવીને બેસી ગયા છે। નાસ્તો કરાવીને મૂકી જઈશ એમને। પ્રતાપભાઈ આપણે નીકળીએ છીએ, હું તમને મૂકી જાઉં છું। હું ક્યાં નથી જવાનો, તારી ઉંમરનો લિહાઝ રાખું છું ને, તાર મજા નહીં આવે। મજા હું કરાવું ને આર્યા, એની સાથે શું વાત કરે, નીકળ અહીંયાથી, એમને રહેવા દો, તે હે તું અંદર ક્યાં નહીં જાય। આલે ચાપતી ખાઈ જા, લાફો માર પોતાની જાતને, લાફો થપ્પડા ના, જોરથી, હજુ જોરથી। આપને આર્યાનું વશીકરણ કર્યું છે। માણસ નથી, મેં માનસ નહીં, મતલબ મેં ઇન્સાન નહીં હું, મેં રાક્ષસ રાક્ષસ હું। કહું તો આની આજુ બાજુ ઝાડા નહીં હે, ઘુસાડી દેત ને, હું તમને ત્રણેયને બતાવીને આને લઈ જાઉં, હું નહીં મારું, આજ બતાવશે ત્રણેય। भाई मुझे लग रहा है जो कमेंट सेक्शन में एक बात कही जा रही थी ना कि ये वश मूवी जिन्होंने देखी हुई है वो दो दिन वो जरा थोड़ा सा सोने में दिक्कत आई थी, तो वाकई ट्रेलर ये वाला देख रही है, ज्यादा इंटेंस ट्रेलर था। बिल्कुल, और मुझे लगा था कि ट्रेलर में जो सीन्स हैं वो मिलते जुलते होंगे, लेकिन ये कि काफी डिफरेंट ट्रेलर से दोनों। इवन मैं ये बोलूंगी कि जो बीच में स्पेशली दिखाया भी गया, जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था आर माधवन सर को, वो आते हैं तो वो ऐसे पांव मतलब ऐसे क्रॉस करके हाँ। तो बैठ जाते हैं ऊपर, लेकिन ये कि इनका थोड़ा और स्टाइल जो है वो दिखाया गया। और कल वाले में आपको तांत्रिक वाले सीन भी नजर आते हैं, लेकिन इसमें आपको तांत्रिक वाला कोई सीन नजर नहीं आया। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, इसमें जो विलन का रोल प्ले कर रहे हैं ना एक्टर, उनके अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूँ ना यार, एक पॉइंट वो आया था जहाँ पे एकदम स्माइल कर रहे थे, एकदम सीरियस हो गए थे, वो एक्सप्रेशन तो बहुत परफेक्ट एक्सप्रेशन में गया हूँ वो क्या है, क्योंकि लिटरली भाई वो गूज़बम्प आपको दे रहे हैं। और इसमें ये भी दिखाया गया कि पहले उन्होंने पूरा जायजा लिया है घर हाँ। का, बच्चों का सारा, और फिर उसके बाद जो उनकी वाइफ है उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि मतलब कि क्या हो रहा है ये इस इंसान का आना सामने। लेकिन ये कि हाँ मुझे ये ट्रेलर देखकर ना ज़्यादा वो एक इंटेंसिटी जो है वो नज़र आई है। और तो हमें बहुत थोड़े शब्दों की समझ आ रही थी क्योंकि ऑब्वियसली वो गुजराती में था, और हम लोगों ने जो इसका जो सब टाइटल्स है वो ढूंढने की भी कोशिश की तो सब टाइटल्स नहीं मिले। लेकिन मैं जानकी की बात करूँगी, जानकी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है यार लिटरली हाँ। क्योंकि उन्होंने अगर इन्होंने उसमें भी जो है जो शैतान है सेम रोल प्ले किया है, तो भाई उसमें भी एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं अभी इसमें देख रहा था इसमें भी इन्होंने कमाल कर दिया बिल्कुल। और जो हितू हैं बीच में जो फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब उनका भी सेम जिस तरह से हम लोगों ने अजय देवगन सर का देखा था
तो मतलब डायरेक्शन में ना आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा है ट्रेलर देकर. अभी तो हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा एग्जैक्टली कि मतलब किस तरह की मूवी होने वाली है. लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत कमाल की रही है. क्योंकि सॉरी माधव मैं इसमें इंटरप्ट करी, क्योंकि मुझे आर माधवन सर की जो एक्टिंग है मुझे कल बहुत अच्छी लगी है. वो जो हमने टीजर में उनकी जो स्माइल देखी थी ना आर माधवन सर की, वो वाकई बहुत ज्यादा अच्छी थी. लेकिन जो है हॉरर, हाँ लेकिन मैं दोनों अगर मूवीज की अगर बात करूँ ना तो भाई दोनों के ट्रेलर जो है ना वो काफी ज्यादा अच्छे हैं. यानी कि इस तरह के ट्रेलर है कि आपको देख के ना दिल कर रहा है कि भाई ये मूवी बेशक सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी है लेकिन देखे दिल करे भाई बंदा ये देखे. और एक और चीज जो मुझे डिफरेंस लगा दोनों ट्रेलर्स में, एक ये कि जो कल शैतान का हमने ट्रेलर देखा था ना उस वो ट्रेलर थोड़ा स्लो था. हाँ. अभी जो ट्रेलर है ना ये जो दिखाया गया ना ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड. हाँ हम लोगों को लगा कि कट 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 ये चीजें जो है हमें देखने को मिली है. और पोस्टर की भी मैं बात करूंगी कि जो पोस्टर है जो गुजराती में है उसमें भाई काफी खौफनाक सा पोस्टर है जिसमें जो जानकी है आई थिंक सीजर्स दिखाई गई है ना. दो सीजर ना, एक इस साइड से घुसाई हुई है एक इस साइड से घुसाई हुई है और या इस साइड से या सीजर नहीं या कुछ और है चाकू है. तो I don't know, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे खुबाई हुई है बीच में. हाँ, वो जो है ना आपको एक तो थोड़ी सी ना वो अगर देखा जाए तो आपको एनाबेल वाली भी exactly, है ना, ये बात कर एक फील आपको बीच में आ रही है. जैसे सुपर नेचुरल मूवीज देखते हो और उसमें आप जैसा लोगों के साथ होता है ना और उनका चेहरा वैसा हो जाता है तो उस तरह का उनका पोस्टर में चेहरा दिखाया गया. दूसरी साइड पर हम शैतान की बात करें तो उसके पोस्टर में एक फैमिली का पूरा दिखाया गया. जो शैतान के पोस्टर की बात करें ना उसमें ना डॉल्स है जो वो हम कहते हैं ना अक्सर मैजिक के लिए डॉल जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं. तो आपको वो जो है वो इवन के ट्रेलर में भी वो चीज आपको जो है वो नजर आ रही है और जो कल हमने देखा है ना उसमें भी वो चीज है ना आपको नजर आ रही है. वो इस तरह बनाए हुए ना कि देखे ना शैतान का जो पोस्टर का दिखाया गया और इसमें तो तंत्र का दिखाया नहीं गया. लेकिन कॉमेंट सेक्शन में ये बात बोली गई थी कि भाई आप देखें जरूर गुजराती मूवी और जो एंड है ना इट विल ब्लो योर माइंड. सो मुझे वैसे थोड़ा डर भी लग रहा है अगर तो हमें डब कहीं पर मिल गई तो फिर तो हम देखेंगे. और भाई यानी कि ये जो है वो अंधेरा करके देखने वाली मूवी है. मुझे डर भी लग रहा है अकेले बैठ के. मतलब है अगर अकेले बैठ के अंधेरा करके देखने वाली है. नहीं देखने वाली फैमिली के साथ बैठ के. या आपको ऐसा लगेगा कि भाई अगर आप बेड पे बैठे हैं और देख रहे नीचे से किसी का हाथ आ रहा है. तूने अपने रूम में अकेले सोना है बेटा और मैंने भी अपने रूम में अकेले सोना है हमें ज्यादा मसला होगा. तो लेकिन मैं जब इस तरह होता है ना फिर मैं एक दो दिन बाजी के कमरे में भी सो जाता बच्चों के साथ. वैसे मैं ढीठ बन के अपने ही कमरे में सोती हूँ. एनीवे गाइस मैं कहूंगी ये काफी अच्छा लगा ये वाला ट्रेलर देखकर भी और थैंक यू सो मच हमें सजेस्ट करने के लिए. आप जरूर बताइएगा कि आपको शैतान और वश के ट्रेलर में क्या डिफरेंस नजर आया. और इसी के साथ हमें गुड बाय.